हरे कृष्णा। तो आज फिर से हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने का प्रयास किया गया। नेटफ्लिक्स जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो एक ऑनलाइन चैनल है, आज उसने पुनः हमारे भगवान को बदनाम करने के लिए एक फिल्म रिलीज की है, कृष्णा एंड हिज लीला, जो एक गंदी मूवी है जिसमें एक लड़के से संबंध कई स्त्रियों के साथ दिखाया गया है और उसका कंपैरिजन हमारे भगवान से किया गया है, जिनका जन्म कर्म चमे दिव्यमेवम यो व्यक्ति तत्वतः, जिनका जन्म कर्म सब दिव्य है ऐसे भगवान से किया गया है, जिसमें उनका मेनली मकसद ही है कि वो कृष्ण को बदनाम करे, हमारे सनातन धर्म को नीचे गिराए। आप बताइए मुझे, क्या किसी गंदी मूवी का नाम भगवान के नाम पर रखना सही है? लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि आप चाहे लाख प्रयास कर लो, लेकिन भगवान का जो सम्मान हमारे दिल में है उसे आप कभी घटा नहीं सकते। कोई व्यक्ति यदि आसमान पे थूकना चाहता है तो वो थूक उसके ही मुख पे आके गिरता है, और ऐसी कंपनियों की हालत ऐसी ही है। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इनकी सोच चलती है किनके कारण? हमारे कारण, हमारे जैसे व्यूवर्स के कारण। यदि हम देखेंगे ही नहीं, हम इन्हें अनसब्सक्राइब करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो ये धीरे धीरे करके खुद नीचे आते जाएंगे और इन्हें अपनी कंपनी को या तो बंद करना पड़ेगा अथवा ऐसे सो जहाँ पे ये ऐसा प्रोपगंडा चला रहे हैं हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का, हमारे भगवान को बदनाम करने का, ऐसे सो को इसे बंद करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का फायदा उठा करके ऐसे कंटेंट इसलिए बनाते हैं ताकि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो और हम लोग उसे देखें। लेकिन यदि हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, इन्हें ब्लॉक करेंगे, इनके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे, तो ये खुद ब खुद ऐसे कंटेंट बनाना बंद कर देंगे। आज टिकटॉक बंद हो गया तो क्या नेटफ्लिक्स बंद नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, खाली हमें अपना कदम बढ़ाना है। देखिए, आज ऐसे लोगों के पास पैसे कमाने के दो रास्ते हैं। एक, पहला तो यह है कि वो कुछ अच्छा करे और कुछ अलग करे, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम चाहिए, थोड़ा समय लगता है। लेकिन दूसरा और जो बहुत फास्ट है वो है क्या? हिंदू धर्म को बदनाम करो, सनातन धर्म को बदनाम करो। पहला वाला टफ है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए लोग आज दूसरे वाले पॉइंट को चूज करते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक प्रोपोगंडा बनाते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं कि जब जब हमारे देश में जब कोई तीसरा व्यक्ति दो भाइयों के बीच नफरत फैलाने का कार्य करता है तो दोनों भाई मिलकर उसका विरोध करते हैं। देखिए हमारे देश की खूबसूरती देखिए कि आज हमारे मुस्लिम भाई भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। हमने ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा कई सारे मुस्लिम भाइयों को जो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसका विरोध हम सबों को मिलकर करना ही चाहिए कि नेटफ्लिक्स अथवा अन्य कोई भी कंपनियां हमारे भगवान का नाम यूज करके धर्म के नाम पर अपने फिल्म में कोई किरदार ना रखें, ना फिल्मों का नाम हमारे भगवान के नाम पर रखें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप सभी जो हमारे साथ इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म का विरोध करिए, बहिष्कार करिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो इसके ऊपर FIR करिए, रिपोर्ट करिए। जितना अधिक से अधिक आप इसे नेगेटिविटी की ओर लेके जा सके उतना अच्छा है। इसलिए मेरा आप सबों से अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अनसब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और अनइंस्टॉल कीजिए इसके एप्लीकेशन को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।